फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं डूबा हुआ है, या डूबे हुए हो, या खोया हुआ है, या खोए हुए हो। जैसे तुम पैसा कमाने में डूबे हुए हो, वह किताब पढ़ने में डूबा हुआ है, तुम खाने में डूबे हुए हो, या तुम खाने में खोए हुए हो, वह टीवी देखने में खोई हुई है, या वह टीवी देखने में डूबी हुई है, आप लोग बात करने में डूबे हुए हैं, या आप लोग बात करने में खोए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं डूबा हुआ है या खोया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इस लेसन को शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस टॉपिक को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा। वह किताबों में डूबा हुआ है या वह किताबों में खोया हुआ है। इंग्रेज्ड मीन्स खोया हुआ होना या डूबा हुआ होना। अगर लिखा हो वह टीवी देखने में डूबा हुआ है तो आप कहेंगे ही इज एंग्रोज्ड इन वॉचिंग टीवी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम पैसा कमाने में डूबे हुए हो तो आप कहेंगे यू आर एंग्रोज्ड इन अर्निंग मनी। इज एंग्रोज्ड इन मतलब डूबा हुआ होना या किसी चीज में खोया हुआ होना। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे वह किताबों में डूबा हुआ था, तो आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वह किताबों में डूबा हुआ था तो आप कहेंगे ही वॉज एंग्रोज्ड इन बुक्स। वह टीवी देखने में डूबा हुआ था, ही वॉज एंग्रोज्ड इन वॉचिंग टीवी। तुम पैसा कमाने में डूबे हुए थे, यू वर एंग्रोज्ड इन अर्निंग मनी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने एंग्रोज्ड इन का यूज टू बी वर्ब से सीखा या शैल बी विल बी की मदद से सीखा। अगर आप चाहें तो इसको टेंस के अकॉर्डिंग भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं, गेट एंग्रोज्ड इन का इस्तेमाल करेंगे, यानी एंग्रोज्ड के पहले गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंसेस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और तीसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। वह खाना पकाने में डूबी रहती है, आप कहेंगे सी गेट्स एंग्रोज्ड इन कुकिंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्योंकि मैंने पार्ट 6 में आपको ये टेंस सिखाया। वह खाना पकाने में डूबी रही, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और मैंने पार्ट 7 में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाया। सी गॉट एंग्रोज्ड इन कुकिंग। वह खाना पकाने में डूबी रहेगी, ये फ्यूचर टेंस है, आप कहेंगे सी विल गेट एंग्रोज्ड इन कुकिंग। आप चाहे तो इस तरह के सेंटेंसेस को टू बी वर्ब की मदद से बोल सकते हैं, या फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे बोलें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आपको कहना होता है कि डूबा रहता है, डूबी रहती है, या खोया रहता है, खोई रहती है, खोए रहते हो, आप बड़े आसान तरीके से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा तो क्या दो सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।